जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह था। यह अवसर पर आयोजित समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 93 छात्रों को गोल्ड मेडल, 43 छात्रों को PhD और एक को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि उच्च शिक्षा वास्तव में युवाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास के लिए उन्नत ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार विशेष रूप से युवाओं से अपेक्षा करती है कि वे शांति, सद्भाव और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लें। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की बेटियां पढ़ रही है, साथ ही हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो यह बहुत सुखद है। मैं लंबे अरसे से बस्तर को देखता आया हूं। यहां शिक्षा को लेकर जिस तरह से परिवर्तन आया है वास्तव में बहुत सुखद है। मुझे लगता है कि बस्तर में यह जो परिवर्तन आया है उसके पीछे इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। मेडल प्राप्त करने वाली एक विद्यार्थी ने कहा कि उन्होंने मूरिया जनजाति पर शोध किया है। छात्रा ने यह बताया कि बस्तर में आदिम संस्कृति और सभ्यता पर शोध का काफी गुंजाइश है। शास्त्र एवं शोध मुरिया जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन रहा है। मेरे द्वारा मुरिया जनजाति के संस्कृति में हो रहे बदलाव और वर्तमान में उसकी स्थिति के संबंध में विहत अध्ययन किया गया है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार ककान ने दीक्षांत भाषण दिया।